राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का जो स्तर है या कहा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्तर पर चल रहा है। ऐसे में तमाम सरकार कोशिश ये करती है कि तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच एक तस्वीर ये देखी गई है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हो या सांसद मनोज तिवारी, वो कनॉट प्लेस पहुंचे हैं। सर, आज ये जो मास्क वितरण है वो देखा जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने ग्रैब टू लागू कर लिया, हम तमाम कोशिश कर रहे हैं। तो आप आज यहाँ पहुंचे हैं, इससे पहले भी आपको देखा है, तो क्या लग रहा है कि ये मास्क वितरण या तमाम जो चीजें हो रही हैं उससे लोगों को अवेयर या पॉल्यूशन कम होगा? ऐसे में नहीं, पॉल्यूशन कम तो नहीं होगा ब्रदर। देखो, आप भी सवाल पूछते पूछते खांसने लगते हो। हम केवल अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, और अवेयर हम 8 साल से कर रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य ये है कि हम दिल्ली की सरकार में नहीं हैं, वरना हम एक कंक्रीट प्लान बनाते। अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल जी सरकार में है, पॉल्यूशन थोड़ी तरह स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन अब इसके नाते हम अवेयर भी ना करें लोगों को, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि अगला एक महीना दिल्ली की सांसों पे बहुत भारी पड़ने वाला है। लगता है कि इतने साल हो गए हैं दिल्ली सरकार को, जो तमाम सर्दियां आते ही ये शुरुआत हो जाती है, आप भी निकल आते हैं, मास्क भी आ जाता है, तो क्या ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है पॉलिटिक्स है या ऐसा कुछ? देखो, जागरूकता लाना पॉलिटिक्स अगर है भी तो ये अच्छी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो है ही। पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप मिलकर क्या करेंगे? सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, ग्रैब टू लागू कर दिया, तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। आप देखो, आप भी अगर किसी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो जहां दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कम से कम 6 महीना पहले प्लान बनाना चाहिए, बट उसमें कोई ऐसे पीसी में आप भी नहीं गए हैं, न तो हम लोग कहीं बुलाए गए हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग 6 महीना पहले बैठें, तो फिर हमें शायद यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ती। क्या लगता है कि कमी किसकी रह गई है? देखिए, टोटली अरविंद केजरीवाल जी के सिस्टम का फेल्योर है। वो जितना इंटरेस्ट शीश महल बनाने में दिखाए हैं, राजमहल बनाने में दिखाए हैं, जितना इंटरेस्ट वो शराब में लूट कैसे करें, अगर इसका 10% भी दिखा देते तो आज पॉल्यूशन दिल्ली का इतना बड़ा खतरा नहीं। एक सवाल और भी है, कल ईडी में पेशी है मुख्यमंत्री जी की, लेकिन सवाल ये है कि कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, और लगातार ये जो देखो, ये लोग इसी कारण फंस रहे हैं। जवाब देना है कुछ, जवाब देते हैं कुछ। जहां आपके ऊपर 338 करोड़ की ट्रेल इस्टेब्लिश हो गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इन द मैटर ऑफ मनीष सिसोदिया जी, तो उसके बाद बीजेपी पे क्यों दोषारोपण करते हो? सुप्रीम कोर्ट डर रही है क्या आपसे? कोर्ट डर रही है क्या आम आदमी पार्टी से? नहीं। असल बात है कि इन लोगों को लगता था कि पब्लिक ने हमें चुन लिया है तो हमें लूटने की भी आज़ादी है। वो शायद भूल गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चुने हुए व्यक्ति के भी करप्शन पे लगाम लगाने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज मास्क वितरण हुआ, तमाम चीज़ें हुई, देखकर जिस तरीके की तमाम चीज़ें देखी गई कि लेह बेहद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर है, ऐसे में दिल्ली बीजेपी आज सड़कों पर है, कहा जाए कि मास्क बांटकर तमाम जागरूकता की बात कर रही है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बेहतर नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर कोशिश की जाएगी तो तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कमिश्नर दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24 दिल्ली।